Hello friends, hope you all are doing well. Today we are going to discuss analysis of effective stress. Last lecture we studied meaning of total stress, meaning of pore water pressure and how to find the effective stress. आज हम बात करते हैं analysis of effective stress के बारे में. Case number one. No water table. एक स्टेटा लेते हैं जैसे ग्राउंड लेवल और इस पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करना है और जो टोटल डेप्थ है ग्राउंड लेवल से एच, अगर मैं इसको ए बोल देता हूँ और दिस इज बी, भी वाटर टेबल इसमें नहीं है तो टोटल स्ट्रेस की बात करते हैं. हाँ एक और, जो सॉइल होगा ना यहाँ पे उसका यूनिट वेट, सॉइल का यूनिट वेट ड्राई भी हो सकता है, बल्क भी हो सकता है, सैचुरेटेड भी हो सकता है. यहाँ पे हम ड्राई यूनिट वेट की कंसिडर करते हैं, करेक्ट. और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो टोटल स्ट्रेस होता है वो यूनिट वेट और डेप्थ के मल्टीप्लीकेशन से होता है. तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ टोटल स्ट्रेस ए पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे तो डेप्थ क्या ग्राउंड लेवल पे ही है, तो ये क्या हो गया जीरो. पोर वाटर प्रेशर वाटर टेबल नहीं है तो जीरो. इफेक्टिव स्ट्रेस इज द डिफरेंस ऑफ टोटल स्ट्रेस एंड पोर वाटर डेट इज जीरो. अगर बात करते हैं बीबी पे, हमने प्रूफ किया था यूनिट वेट इंटू डेप्थ, यूनिट वेट गामा डी हमने कंसिडर किया, डेप्थ आपका कैपिटल एच है. तो टोटल स्ट्रेस इज द गामा डी इंटू एच एंड द नो वाटर टेबल, डेट्स वाई पोर वाटर प्रेशर इज जीरो एंड द इफेक्टिव स्ट्रेस इज द डिफरेंस ऑफ टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर एट द गामा डी एच. ओके फ्रेंड्स, इन दिस केस देर इज नो वाटर टेबल. आई विल कंसिडर केस नंबर टू. And in case number two, we take same depth, okay, but condition is that water table is at any depth. We consider same strata, ground level, this is GL, and the total depth is H. But there water table is come, okay, and at this depth is water table is at a depth of h1 from the ground level and is the h2, correct. Okay, I will consider this the A point, this is BB point and this is CC point. Okay, now we find the total stress at a particular point, pore water pressure, and then we never find the effective stress directly. First to find the total stress, total stress at AA zero, pore water there no water table zero, and the effective stress of AA is the zero. At BB consider those, agar water table hai to niche ka jo soil hai it totally saturated hai, gamma set. ऊपर का मैंने कंसीडर, जरूरी नहीं है कि ड्राई होगा, डिपेंड्स ऑन द सॉइल, हो सके बल्क भी हो सकता है, अगर कभी कभी कैपिलरी एक्शन की वजह से सैचुरेटेड भी हो सकता है. हियर वी कंसीडर अ ड्राई कॉन्सेप्ट. ओके ड्राई, तो फर्स्ट वी फाइंड द टोटल स्ट्रेस एट बीबी, यूनिट वेट एंड डेप्थ, द डेप्थ इज एच वन एंड द यूनिट वेट गामा डी, गामा डी एच वन इज अ टोटल स्ट्रेस and the pore water pressure at BB because there is water table, that's why the pore water pressure is zero. Total effective stress the difference of total stress minus pore water pressure gamma d into h. Okay, now find the total stress at CC, total stress at CC gamma d into h1 plus gamma set H2 and the pore water pressure is this depth S2, gamma water into H2. Now effective stress, the difference of total stress minus pore water pressure, gamma D H1 plus this one minus gamma set, H2 is common there,
गामा सेट माइनस गामा वाटर। दोस्त गामा सेट माइनस गामा वाटर का तो गामा सबमर्ज्ड होता है। कैसे होता है इसको एक बार यहाँ देख लेते हैं। अगर कोई सॉयल है और ये सॉयल सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड मीन्स सारे वॉयड्स के अंदर में पानी का पानी फिल है, वाटर फिल है, करेक्ट। तो इसका सॉयल का जो वेट होगा ना, वेट यूनिट वेट गामा, ये सैचुरेटेड कंडीशन में सॉयल है और सैचुरेट यूनिट वेट क्या होता है, वेट अपन वॉल्यूम। अगर मैं इसकी वेट की बात करता हूँ तो गामा सेट इंटू वॉल्यूम, बराबर। अगर इस सॉयल को अगर कोई एक पानी से भरा हुआ कंटेनर में इसको इमर्ज्ड करता हूँ तो ड्यू टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल अगर ये वेट इसके ऊपर गामा सेट इंटू वी लगता है तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू वी हो जाएगा, करेक्ट। तो गामा सैचुरेटेड ये सबमर्ज्ड कंडीशन है। गामा सबमर्ज्ड क्या होता है दोस्त, वेट अपॉन वॉल्यूम, और ये वेट क्या है, गामा सेट अपॉन वी, और ये गामा डब्ल्यू इंटू वी। तो टोटल आपका रिजल्टेंट वेट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेट हो जाएगा गामा सेट वी माइनस गामा डब्ल्यू वी, यूनिट वेट इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, दिस इज द वेट एंड द टोटल वॉल्यूम इज द वी, करेक्ट। तो आपका यहाँ से v कॉमन आएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट्स वाई गामा सबमर्ज्ड इक्वल टू गामा सेट माइनस गामा वाटर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। दैट्स वाई आई राइट देयर गामा डी एच वन प्लस गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू इक्वल टू गामा सबमर्ज्ड एच टू, ओके ओके। फ्रेंड्स हमने दो कंडीशन लिया, डेप्थ सेम था, पहले वाले कंडीशंस में कोई वाटर टेबल नहीं था, करेक्ट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात देखने वाली है हमारे, वाटर टेबल नहीं था, इफेक्टिव स्ट्रेस गामा डी इंटू एच, करेक्ट। उसी पॉइंट पे गामा डी एच वन प्लस गामा समझ एच टू, कैपिटल एच जो डेप्थ है ना इक्वल टू एच वन प्लस एच टू। अब हमें यह देखना है ना कि वाटर टेबल ऊपर आने की वजह से क्या इफेक्ट आया इफेक्टिव स्ट्रेस के ऊपर। गामा समर्ज्ड, आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर बता रखा था गामा समर्ज्ड इज लेस देन गामा डी, करेक्ट। पूरे डेप्थ में गामा डी का मल्टीप्लिकेशन है यानी इफेक्टिव से ज्यादा है, लेकिन यहां पे गामा डी एच वन पे है और गामा समर्ज छोटा हुआ है, इसका मतलब अगर वाटर टेबल ऊपर आया तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हुआ, कम हुआ, करेक्ट। एज अ गुड इंजीनियर वी ऑलवेज वांट गुड इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस का मतलब यहाँ कोई स्ट्रेस से मतलब नहीं है कि ये ताकत चाहिए तोड़ने के लिए, एक रेजिस्टेंस फोर्स है, करेक्ट ना, कि दो सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में कितना ज्यादा कॉन्टैक्ट लग रहा है, रेजिस्टेंस कितना है। अगर जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना इफेक्टिव स्ट्रेस होगा, उतना ही आपके लिए बेटर होगा एक अच्छे इंजीनियर के लिए। इसलिए यहाँ वाटर टेबल जब ऊपर आ रहा है तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट। तो हमने पहला केस दिया कि वाटर टेबल नहीं था, तो वाटर टेबल आया तो फिर आपके अंदर रिडक्शन होना, डिक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव से डिक्रीज हो रहा है। केस थ्री में अगर वाटर टेबल अभी एच वन डेप्थ से नीचे था, अगर ये वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पर आता है तो क्या इफेक्ट होगा, राइट नाउ केस नंबर थ्री। केस थ्री वाटर टेबल इज एट ग्राउंड लेवल, ओके दोस्त स्टेटा डेप्थ सेम ले रहे हैं ताकि हम इजीली उसको कंपैरिजन करें कि वाटर टेबल के राइज करने से क्या इफेक्ट आ रहा है। तो अगर मैं ए पॉइंट ले लिया और ये मेरा ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे जो पानी है ना ये उठता उठता ग्राउंड लेवल पर आ गया, तो आपका वाटर टेबल यहाँ पे ग्राउंड लेवल पर आ गया, करेक्ट। ये बी बी पॉइंट है, नाउ दिस इज द डेप्थ ऑफ सेम डेप्थ एच, ये पूरा सॉयल क्या हो गया, पानी होने के कारण सारे खाली जगह में पानी फिल हो गया, तो ये आ गया सैचुरेटेड सॉयल है, करेक्ट। अगर मैं बात करता हूँ ए पे, इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए आपको टोटल स्ट्रेस निकालना होगा, तो इस पे जीरो होगा, पोर वाटर प्रेशर एट ए इक्वल टू जीरो एंड द इफेक्टिव स्ट्रेस एट ए इक्वल टू जीरो। एट बी पॉइंट टोटल स्ट्रेस यूनिट वेट इंटू डेप्थ करते हैं और यूनिट वेट सैचुरेटेड है और एच, तो गामा सेट इंटू एच पोर वाटर एज प्रेशर एट बी, वाटर टेबल का डेप्थ कितना है यहाँ से एच पे, तो गामा डब्ल्यू इंटू एच, ओके। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है फ्रेंड, इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू टोटल स्ट्रेस गामा सेट एच माइनस गामा डब्ल्यू एच, एच इज कॉमन,
गामा सेट गामा डब्ल्यू अभी बताया आर्किमिडीज प्रिंसिपल से क्या होता है, गामा सबमर्ज्ड होता है, गामा सबमर्ज्ड। और गामा सबमर्ज्ड क्या होगा, सबसे कम होता है, करेक्ट। देखो अब कंपेरिजन करते हैं कि यहाँ वाटर टेबल नहीं था तो गामा डी इंटू एस था, करेक्ट। जब वाटर टेबल एक डेप्थ पे आया तो आपका रिड्यूस किया, यानी वाटर टेबल ऊपर आ रहा है तो इफेक्टिव क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। वाटर टेबल और ऊपर गया, वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पे गया तो क्या हो गया, पूरे डेप्थ में गामा समझ आ गया। तो अगर कंपेरिजन करते हैं तो जैसे ऐसे वाटर टेबल ऊपर जा रहा है ऐसे ऐसे मेरा इफेक्टिव क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, करेक्ट ना। तो हमने यहाँ से ये कंसिडर किया कि हम एज ए गुड इंजीनियर हम हमेशा मेरा यही हम चाहेंगे कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रांग होना चाहिए। इफेक्टिव स्ट्रेस जो आपका स्ट्रेस है स्ट्रांग कैसे होगा, आप देखा कि हमने जब स्ट्रेस निकाल रहे हैं तो यूनिट वेट और डेप्थ पे डिपेंड कर रहा है। तो यूनिट वेट ऑफ क्या होता है, जी प्लस ए सी अपन वन प्लस सी, यानी वॉइड रेशियो वन प्लस सी। वॉइड रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा यूनिट वेट ज़्यादा होगा, जब यूनिट वेट हमारा ज़्यादा होगा तो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस भी ज़्यादा होगा, जब इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा ज़्यादा होगा तो मेरा सीयर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, सीयर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगा, और बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होने के कारण जो हम फुटिंग बनाएंगे उस सॉइल के ऊपर में उसका जो एरिया क्या होगा वो कम होगा, क्योंकि फुटिंग प्रेशर क्या होता है, लोड अपॉन एरिया, करेक्ट। तो बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगा तो हमारा जो एरिया होगा वो कम होगा। तो आप एज इंजीनियर हमारा मेन एम क्या है, हमारा एम है कि हमेशा इफेक्टिव स्ट्रेस को ज़्यादा रखना है। तो एक ही स्टेटा के ऊपर तीन डिफरेंट केस हम बात किए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप केस नंबर फोर के बारे में। फ्रेंड्स केस नंबर फोर, इफ वाटर टेबल इज अबव द ग्राउंड लेवल, इफ वाटर टेबल इज अबव ग्राउंड लेवल, क्या होगा कंडीशन, ये मेरा ग्राउंड लेवल है दोस्त। और लास्ट केस थ्री में पढ़ा था हम लोगों ने कि वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पे था, यहाँ पे पानी ग्राउंड लेवल के ऊपर चला गया, ये केस क्या हो गया, जस्ट लाइक अ रिवर लेक पॉन्ड, हाँ यहाँ वाटर टेबल आ गया, वाटर टेबल ग्राउंड लेवल से भी ऊपर चला गया, करेक्ट। यहाँ पे हमने इसको दे दिया ए पॉइंट, इसको बोला बी वी, ये सी पॉइंट, ओके। द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल द गामा सेट, वाटर टेबल ऊपर है, सारा क्या गामा सेट है, सैचुरेटेड है सारे पोर के अंदर, सैचुरेटेड क्या होता है, हर सारे वायर्स के अंदर में पानी फिल है, करेक्ट। तो मुझे यहाँ देखना है कि अगर ग्राउंड वाटर से, एक बात तो हम लोगों ने देखा तीन केस में कि जैसे जैसे वाटर टेबल ऊपर रेज कर रहा है ऐसे ऐसे इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर वो ग्राउंड लेवल के बाद भी वाटर टेबल ऊपर गया जस्ट लाइक अ रिवर लेक पॉन्ड तो क्या इफेक्ट आएगा, इसके बारे में हम देखते हैं। द टोटल स्ट्रेस एट ए ए इज अ जीरो, देयर इज नो डेप्थ, जीरो। एंड फ्रेंड्स दिस इज द नॉट अ सॉइल वाटर, द वाटर इज फिल्ड अबव द वाटर गामा डब्ल्यू, गामा डब्ल्यू, पोर वाटर प्रेशर एट ए इक्वल टू जीरो, द डिफरेंस ऑफ पोर वाटर एंड इफेक्ट टोटल स्ट्रेस एंड पोर वाटर प्रेशर इज द इफेक्टिव स्ट्रेस इज जीरो। बात करते हैं बी पॉइंट पे, अगर टोटल सेम कंडीशन इज सेम, दिस तो दिस डेप्थ इज एच, एच सेम स्टेटा अर्लियर वी टेक एच डेप्थ, ओके। नाउ आई कंसिडर द हाइट ऑफ द वाटर टेबल अबव द ग्राउंड लेवल इज स्मॉल एच, ओके। द स्ट्रेस टोटल स्ट्रेस इज द यूनिट वेट इन टू डेप्थ, द यूनिट वेट गामा डब्ल्यू एंड द हाइट इज एच, दैट्स वाई द टोटल स्ट्रेस इक्वल टू गामा डब्ल्यू इन टू एच, द पोर वाटर प्रेशर इज द सेम वाटर गामा डब्ल्यू इन टू एच, that's why your effective stress is zero, okay. Now at C, the total stress at C, gamma w into a small h, gamma w into a small h plus gamma set soil in saturated conditions, gamma set into capital H, the pore water pressure at CC, pore water pressure at CC, the total depth water table a small h capital H, a small h plus capital H into gamma w. Now we find the effective stress, effective stress is the difference of the total stress or pore water pressure, gamma w h plus gamma set capital H minus
एच गामा डब्ल्यू माइनस एच गामा डब्ल्यू, दिस वन इज कैंसल आउट. गामा एच इज द कॉमन एंड गामा सेट और गामा समर्ज इंटू गामा समर्ज्ड, गामा समर्ज्ड इंटू एच. ओके, इन केस नंबर थ्री द सेम रिजल्ट इज कम एट पॉइंट सी सी इफेक्ट इज गामा समर्ज्ड इंटू एच. इट मीन्स वेन द वाटर टेबल इज अबव द ग्राउंड लेवल देर इज नो चेंज ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेस. देर इज नो चेंज ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस. वाटर टेबल इज राइज देन इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीजेज एंड आफ्टर वाटर टेबल गोइंग बियॉन्ड द ग्राउंड वाटर देर इज नो चेंज ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस. ओके, तो वी कंक्लूड दिज ऑल दिस थिंग्स इज केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर, हाउ इफेक्टिव स्ट्रेस वेरी. नाउ आई टेक सम एग्जाम्पल्स on this concept. Okay, friends, after understanding the concept of the effective stress, let's example the ground condition at a site. Ek site hai ground conditions ka jo ground level se 5 meter ek point p hai, p point, this is the p point 5 meter below the ground level. The water table is at the ground level in this conditions. This is the property of the soil. The soil water content, a small w represent the water content, 20%, a specific gravity 2.7, unit weight of water 10 kilometer per meter cube. Okay, what is the total stress, pore water pressure and effective stress at point P? एक point P पे total stress, pore water pressure, effective stress. हमने पहले ही बता रखा है कि जो stress होता है वो unit weight और depth के मल्टीप्लाई होगा. डायरेक्ट यहाँ unit weight नहीं दिया है. अगर यहाँ water table ground level पर, it means ये जो soil है ये क्या है, saturated form में है, correct, सारे voids में पानी filling है. लेकिन तो आपको सारे चीज़ों कैलकुलेट करने के लिए गामा सेट पता होना चाहिए. तो डायरेक्ट यहाँ गामा सेट नहीं दिया है, तो फर्स्ट वी कैलकुलेट द यूनिट वेट एंड द यूनिट वेट इन द कंडीशन ऑफ सैचुरेटेड कंडीशंस. एंड इन द फर्स्ट लेक्चर आई गिव यू एक्सप्लेनेशन दैट यूनिट वेट इक्वल टू जी प्लस ए सी अपॉन वन प्लस ई. ओके ओके, इन द कंडीशन इन वेन सॉइल इज सैचुरेटेड एस इक्वल टू वन, वेन सॉइल इज सैचुरेटेड डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू वन, करेक्ट. ओके, here given is the water content GSC, E is not given there. Okay, so you know na, we need void ratio, but there is not given the void ratio. Then how to calculate void ratio? The relation SC equal to WG, from there we calculate the E, S equal to 1, that's why E equal to WG. Okay, and at E equal WG, we know W, we know G. Let's put G care 2.7, एस क्या है 1, और ई की बात करें तो डब्ल्यू जी, वेयर इज डब्ल्यू, डब्ल्यू जी इक्वल डब्ल्यू जी 1 प्लस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी, करेक्ट. नाउ पुट 2.7 प्लस 1 इंटू डब्ल्यू 0.2, जी 2.7 एंड 1 प्लस 2.27. After calculating this, nearly get 21 kilo newton per meter cube. Okay, this is the unit weight of the soil. Now right there, the soil, the unit weight of soil is 21 kilo newton meter cube. अब ये बहुत ही आसान हो गया, कुछ नहीं करना है. Now total stress निकालना है P point पे. Total stress क्या होता है, unit weight into depth. Unit weight क्या है 21, और depth क्या है 4. 21 into 5, 105 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द टोटल स्ट्रेस. पोर वाटर प्रेशर, वाटर टेबल, अब बताया था कि आपको पिजोमीटर देते हैं प्रेशर्स को मेजर करने के लिए, पिजोमीटर नहीं है वहाँ पे, वाटर टेबल को हम कंसिडर करते हैं. तो उस पॉइंट से वाटर टेबल क्या है 5 meter डेप्थ पे है. तो पोर वाटर प्रेशर एट पी, यूनिट वेट ऑफ वाटर इज 10. एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दिया हुआ है ना, यूनिट वेट ऑफ वाटर 10 किलोमीटर. अगर यूनिट वेट ऑफ वाटर गिवन है 9.81 तो ठीक है, 10 दिया है तो जो गिवन है उसको कंसिडर. अगर यूनिट वेट ऑफ वाटर किसी भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, यू शुड ऑलवेज टेक 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. ओके, अगर वो ग्राम सीसी में है तो 1 ग्राम पर सीसी होगा. तो यहाँ दिया हुआ है 10 एंड द डेप्थ इज 5, द पोर वाटर प्रेशर इज द 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड द इफेक्टिव स्ट्रेस द डिफरेंस ऑफ टोटल स्ट्रेस एंड पोर वाटर प्रेशर 105 माइनस 50 इज द 55 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स प्रैक्टिस अनदर एग्जांपल. अ 10 मीटर थिक क्ले लेयर
10 मीटर थिक क्ले लेयर इज अंडरलेन बाय अ सैंड लेयर, एक सैंड लेयर के ऊपर अंडरलेन है 10 मीटर का क्ले, ओके। सीन फिगर, द वाटर टेबल इज 5 मीटर बिलो द सरफेस, वाटर टेबल सरफेस से 5 मीटर नीचे है, सरफेस से 5 मीटर नीचे वाटर टेबल है, बराबर 5 मीटर बिलो द क्ले लेयर। द सॉइल अबव द वाटर टेबल इज कैपिलरी सैचुरेटेड, द वैल्यू इज गामा सेट 19 किलोमीटर पर मीटर के। तो जब वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पे था, करेक्ट ना, तो पानी नीचे आने के बाद भी आपका जो पूरा ये सॉइल है ना वो सैचुरेटेड है, इसका मतलब यूनिट वेट में कोई चेंजेस नहीं आया। ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ सॉइल के ऊपर में कि वाटर टेबल के ऊपर वाला सॉइल ड्राई है, बल्क है या सैचुरेटेड है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो ऊपर का सारा जो सॉइल है वो क्या है, सैचुरेटेड है, और सो 19 किलोमीटर पर मीटर क्यूब मेंशन किया गया। द यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा डब्ल्यू इफ़ नाउ द वाटर टेबल राइजेज टू द सर्फेस, इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशन ये है कि वाटर टेबल ग्राउंड से 5 मीटर नीचे है। इफ़ नाउ वाटर टेबल राइजेज टू द सर्फेस, अगर ये बाद में अगर यहाँ पे है तो स्ट्रेस होगा इस पॉइंट पे, आपका पी पॉइंट, अगर मैं बात करता हूँ इफेक्टिव पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है, अगर वाटर टेबल ग्राउंड लेवल से 5 मीटर नीचे है तो पी पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस होगा, पोर वाटर का इफेक्टिव स्ट्रेस होगा, करेक्ट। इफ़ नाउ वाटर टेबल राइजेज टू द सर्फेस, अगर ये वाटर टेबल पानी ऊपर चला गया तो इस पी पे पर क्या इफेक्ट आएगा, करेक्ट ना। फ्रेंड्स, हम लोगों ने अर्लियर पढ़ चुके हैं, हम लोग पहले ही हम जान चुके हैं कि वाटर टेबल जब ऊपर आता है तो क्या होता है, क्या होता है, डिक्रीज करता है इफेक्टिव स्ट्रेस। तो अगर चार ऑप्शन है, इंक्रीज, रिमेन्स चेंज, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया, डिक्रीज बाई 5 और डिक्रीज बाई 10, इन दोनों में कोई होगा, करेक्ट ना। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है कि वाटर टेबल कभी भी राइज होगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, करेक्ट। दोस्त अब क्या है ना, टोटल स्ट्रेस पॉइंट पी पे वाटर टेबल यहाँ है 5 मीटर या ग्राउंड लेवल पे, चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि ऊपर का जो पानी नीचे होने के बावजूद भी ये गामा सैचुरेटेड है, करेक्ट। तो टोटल स्ट्रेस तो चेंज नहीं होगा। अगर वाटर टेबल मेरा यहाँ है तो 10 + 5 = 15, यानी टोटल स्ट्रेस कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, सेम है, एक फिक्स्ड वैल्यू है, टोटल स्ट्रेस फिक्स है, वैल्यू फिक्स है, द यूनिट वेट गामा इतना कैपिलरी सैचुरेटेड, आपका मेंशन नहीं किया सैंड, अगर बोला है 20 मीटर का डेप्थ है और ये बोलते हैं कि 19 है, 21 किलोमीटर पर मिनट, टोटल स्ट्रेस फिक्स है, करेक्ट। कोई भी चेंज यूनिट वेट में नहीं हो रहा है, सारा चेंज कहाँ हो रहा है, पोर वाटर प्रेशर की वजह से हो रहा है। अगर ये पोर वाटर प्रेशर यहाँ है और 20, और इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, और टोटल स्ट्रेस क्या है, फिक्स है। पोर वाटर प्रेशर इस पॉइंट से क्या है, 10 × 5 = 15 मीटर पे है, करेक्ट, गामा डब्ल्यू 15, तो इसमें से 15 गामा डब्ल्यू माइनस कर रहा हूँ, करेक्ट। तो एक वैल्यू आ रहा है, कोई एक्स वाई जेड वैल्यू आ गया, करेक्ट। अगर वाटर टेबल ऊपर गया तो पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा, 10, 30, 20, 30, यानी 5 का इंक्रीज किया, यानी उसमें से कितना ज़्यादा हो रहा है, 5 गामा डब्ल्यू और ही डिक्रीज कर रहा है। तो योर आंसर इज डिक्रीज बाई 5 गामा डब्ल्यू। दोस्त इस सवाल को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व भी नहीं करना है, अगर आप कॉन्सेप्ट्स को जानते हो कि वाटर टेबल कभी भी राइज करेगा तो क्या होगा, वाटर टेबल राइज होने के कारण इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, करेक्ट। नेक्स्ट आपको क्वेश्चंस देखते हैं, एक कटिंग करते हैं दोस्तों, देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। ड्रॉ द वेरिएशंस ऑफ टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर एंड इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ द गिवन प्रोफाइल, एक प्रोफाइल दे रखा है आपके पास सॉइल का, ग्राउंड लेवल से नीचे सैंड है जो कि, और फिर वाटर टेबल है 1 मीटर पे, फिर नीचे क्ले, ये 6 मीटर का आपका है, इसके ऊपर क्या वेरिएशन आ रहा है टोटल स्ट्रेस का, पोर वाटर प्रेशर का और इफेक्टिव स्ट्रेस का। सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने ड्राइव किया है कि स्ट्रेस निकालने के लिए यूनिट वेट और डेप्थ चाहिए, डेप्थ मेंशन है यहाँ पे आपको, ये डेप्थ सब हर लेयर का डेप्थ मेंशन है, लेकिन यूनिट वेट ऑफ क्ले क्लियर किया है कि जो आपका वाटर टेबल है, वाटर टेबल के नीचे जो भी यूनिट वेट होगा क्या होगा, सैचुरेटेड यूनिट वेट होगा। तो क्ले का गामा सैचुरेटेड 20 किलोमीटर दे रखा है, करेक्ट ना। ऊपर के सेटा में सैंड है, जो ये 3 मीटर का सैंड है उसमें 1 मीटर का जो डेप्थ है वो वाटर टेबल के ऊपर है और वाटर टेबल के नीचे 2 मीटर का है, तो कोई ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कैपिलरी है, सैचुरेटेड है। इसका मतलब अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो वाटर टेबल के ऊपर का सॉइल क्या है, ड्राई है, और वाटर टेबल के नीचे का सॉइल क्या है, सैचुरेटेड है, करेक्ट। तो यहाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन उस सैंड का प्रॉपर्टी दे रखा है, सैंड का वॉइड रेशियो दिया है, सैंड का स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है,
तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि हर लेयर का हमें यूनिट वेट डिफाइन करना है। तो एक सैंड का इस कंडीशन में सैंड क्या है, सैचुरेटेड फॉर्म में, तो हमें गामा सैचुरेटेड निकालना है पहले। और इस केस में सैंड क्या है आपका ड्राई केस में, तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे ड्राई यूनिट वेट और सैचुरेटेड यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, जी अपॉन वन प्लस ई गामा डब्ल्यू। तो जी की वैल्यू दे रखी है 2.65, वॉयड रेशियो गिवन है 0.4, एंड द यूनिट वेट ऑफ वाटर गिवन नहीं है। दोस्त यहाँ हम ले ले रहे हैं 10 ले ले रहे हैं, करेक्ट। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए वी टेक गामा डब्ल्यू इक्वल टू 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, करेक्ट। लेकिन जब तक क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं किया होगा 10 किलोमीटर, तब तो आप 9.81 लेगा। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैंने 10 ले रखा है, करेक्ट। ये गामा डी हो गया। गामा सेचुरेटेड क्या होगा, जी प्लस एस ई, यानी एस क्या है, वन है, तो उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा जी प्लस ई अपॉन वन प्लस ई गामा डब्ल्यू 2.65 प्लस ई 0.4 अपॉन वन प्लस 0.4 इंटू 10। नाउ कैलकुलेट 2.65 डिवाइडेड 1.4 18.93 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, करेक्ट। इसे कैलकुलेट करते हैं, ट्वेंटी वन पॉइंट सेवन नाइन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो हमने ड्राई का क्या कर लिया यहाँ पे, गामा डी हमने निकाल लिया 18.93 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। गामा सेट निकाल लिया हम लोगों ने 21.79 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ओके। अब बहुत ही आसान है, सीधे यूनिट वेट और डेप्थ में मल्टीप्लाई करना है। अब हम क्या करते हैं ना, सबका पहले इफेक्टिव एसेस डायरेक्ट इन निकाल सकते हैं, टोटल एसेस निकालते हैं, हर पॉइंट पे पोर वाटर प्रेशर निकालेंगे, फिर उन दोनों का डिफरेंस से इफेक्टिव एसेस निकालेंगे। अगर मैं ग्राउंड यानी जीरो पे लेता हूँ टोटल स्ट्रेस, तो जीरो आएगा। अगर मैं वन पे लेता हूँ तो यूनिट वेट कितना है 18.93 इंटू डेप्थ क्या है, वन है, 18.93 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस वन सिग्मा थ्री। तो दोस्त वन मीटर ड्राई है तो क्या होगा, 18.93 इंटू वन प्लस ये जो दो मीटर का स्ट्रेटा है ये क्या है, सैचुरेटेड है, तो 21.79 इंटू टू 21.79 इंटू टू प्लस 18.93। The total stress at that point is 62.51 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, ओके। सी पॉइंट पे देखते हैं, करेक्ट, सी सिक्स। तो ऑब्वियसली अभी तक मेरा ये वन मीटर थ्री मीटर ये क्या है 62.5 है, करेक्ट। यहाँ तक हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब ये क्या है, तीन से छः, यानी स्टेटा क्या है, तीन मीटर का है, और यूनिट वेट क्या है 20, तो 3 × 20 60, तो 122.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बराबर, करेक्ट। इसको मिटा देता हूँ, मैं यहाँ फाइनल रिजल्ट में यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ। अब हमने टोटल स्ट्रेस हर पॉइंट पे कैलकुलेट कर लिया। अब हम पोर वाटर प्रेशर की बात करेंगे। पोर वाटर प्रेशर क्या, वाटर टेबल से लेते हैं, तो पोर वाटर प्रेशर जीरो पे जीरो रहेगा, यहाँ कोई वाटर टेबल नहीं है, यहाँ पे वाटर टेबल के जस्ट लेवल पे है, लेवल पे क्या होगा, जीरो होगा, नीचे आएगा, तो वाटर इस पॉइंट से वाटर टेबल का डेप्थ कितना हो गया, 2 मीटर हो गया, तो U3 कितना हो गया मेरा 2 × 10 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। सिक्स की बात करेंगे तो दोस्त वाटर टेबल का डेप्थ कितना है, यहाँ से 2 मीटर का ये है, 3 मीटर का 5 मीटर, तो U6 इक्वल टू 5, तो 5 × 10 इक्वल टू 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। तो हम लोगों ने हर पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस निकाला और पोर वाटर प्रेशर निकाला। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है, डिफरेंस है,
डिफरेंस है, आपको पता है इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा सिग्मा डैश से डिनोट करते हैं, डिफरेंस ऑफ टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर। ओके, तो अगर जीरो पे लेता हूँ तो इफेक्टिव स्ट्रेस, अगर जीरो पे लेंगे जीरो माइनस जीरो जीरो, अगर वन पॉइंट पे लेते हैं तो टोटल स्ट्रेस कितना है 18.930, दिस इज द 18.93 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर थ्री पॉइंट पे लेते हैं सिग्मा थ्री इफेक्टिव स्ट्रेस, द टोटल स्ट्रेस 62.5 एंड द 20 इज द पोर वाटर प्रेशर, डिफरेंस इज 62.20 इज द 42.51 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और सिक्स डेट पे लेता हूँ तो टोटल है 122 माइनस 50 इज द 72.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमने हर स्टेटा के हर पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर, इफेक्टिव स्ट्रेस, अब हमें इसको वेरिएशंस बताना है आपको, टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर, इफेक्टिव स्ट्रेस का क्या किस तरह से वेरी कर रहा है। ओके, ओके, नाउ कंसीडर टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस की बात करेंगे तो 0.0 देन 18.93, इस पॉइंट पे 18.93, थर्ड पॉइंट द स्ट्रेस इज 62.51, करेक्ट, एंड सिक्स पॉइंट इज 122.5, ये आपका वेरिएशन है टोटल स्ट्रेस। इट्स नॉट लीनियरली, ओके, ये आपका वेरिएशन है आपका टोटल स्ट्रेस का, दिस इज द वेरिएशन ऑफ टोटल स्ट्रेस। दोस्त पोर वाटर प्रेशर की बात करते हैं, जीरो 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 देयर जीरो एट थ्री ये 20 इज द 20 एट सिक्स इज द 50 इज द वेरिएशन ऑफ पोर वाटर प्रेशर। फ्रेंड्स अब बात करते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस की, बराबर, इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो वन पे आपका 18.93, थर्ड पॉइंट इज द 42.51 एंड लास्ट वन इज 72.5, करेक्ट। कभी कभी एग्जाम में आपको केवल वेरिएशंस दे सकता है डायग्राम बनाकर कि ये जो स्टेटा है कौन सा वेरिएशंस है, करेक्ट ना, तो आपको ऐसा इतना प्लॉट नहीं करना है। तो हमें टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर, इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने के अलावा उसको हम ग्राफिकल कैसे दिखाएंगे ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, डैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो टू डिस्कस द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी एंड स्टे मोटिवेटेड।